हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल गोयल फैमिली. और आज का सेशन बेसिकली ये है कि मैं अपने थॉट्स शेयर करना चाहती हूँ आप सभी के साथ. काफ़ी टाइम से मतलब मेरे माइंड में बहुत सारी बातें चल रही थी. यू नो, जैसे जैसे चीज़ें होती रहती हैं तुम लोगों के साथ, हम लोगों के साथ, तो हमारा माइंड बहुत दौड़ता है. और आपको हमेशा कोई ना कोई चाहिए होता है जिससे आप शेयर कर सको. बट काफ़ी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हाँ, आप नहीं भी कर पाते, या फिर आप एक दो लोगों से करते भी हो तब भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती. तो मैं सबसे पहले तो मतलब मैं लाइफ के बारे में बोलना चाहूँगी. ज़िंदगी, मुझे नहीं पता आप लोग अपनी ज़िंदगी को किस नज़रिए से देखते हैं, बट मेरा थॉट ये चीज़ है कि यार, मतलब सच में लाइफ एक ही मिली है. मतलब बहुत लोग कहते हैं हाँ यार, लाइफ एक ही मिली है, और मैं भी आप लोगों को कह रही हूँ कि लाइफ एक ही मिली है. बट अगर हम इसको डीपली सोचें कि लाइफ सच में एक ही मिली है. अभी मतलब मैं बताना चाहूँगी, रिसेंटली मेरी एक नोन में एक इंसिडेंस हुआ जहाँ पे एक छोटी बच्ची की डेथ हो गई. और उसको एक्चुअल में कुछ भी नहीं था. मुझे पता चला कि उसको कुछ भी नहीं था. उसको मतलब 3-4 दिन से फीवर था, और सब टेस्ट वगैरह हुए उसके, और रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल आई. और ऑल ऑफ सडन वो स्कूल गई, उसको स्कूल जाना था, वो स्कूल गई. फिर स्कूल से आके वो वॉशरूम गई, तो वहाँ पे वो फेंट हो गई. फेंट होने के बाद उसके पेरेंट्स उसको हॉस्पिटल लेके गए, और जैसे ही वो लोग लेके जा रहे थे तो कार में ही उसकी जो बॉडी थी वो ठंडी हो चुकी थी. तो मेरे को उस स्टेज पे भी ऐसा लगा कि मतलब अब जब उसकी डेथ हो चुकी है, तो अब कितने लोग उसके लिए स्टेटस डाल रहे हैं, या उसके पेरेंट्स भी ऐसे सोच रहे हैं कि हमारी बेटी अगर मतलब ये करना चाहती थी तो हम उसको करवा ही देते. तो मतलब मेरा बेसिकली कहना ये है कि जब हम लोग मर जाते हैं तो लोग सोचते हैं, हमारे आसपास के लोग सोचते हैं कि यार, हमारी बेटी ये चाहती थी तो हम उसको करवा देते, या हमारा बेटा ये चाहता था तो हम उसको करवा देते, या हमारे माँ बाप की ये ख्वाहिश थी जो कि हम पूरी नहीं कर पाए. तो मैं ये चीज़ कहती हूँ कि यार, हम लोग वो मूमेंट होने के बाद ही ये चीज़ क्यों रियलाइज़ करते हैं. मतलब अगर अभी हमारे पास एक लाइफ है, और अगर हम इसी चीज़ को एक्चुअली ये चीज़ सोचें ना कि आज हमारा आखिरी दिन है, हम सच में ये चीज़ सोचें ना कि आज हमारा आखिरी दिन है, और हम ये सोच के अपना हर दिन जिए, तो शायद लाइफ बहुत अलग होगी, बहुत अलग. और इवन मैं कहीं बार, मेरे साथ भी ऐसी चीज़ होती है. ऑब्वियसली हर कोई नेगेटिव होता है, हर कोई पॉजिटिव होता है, और मैं भी काफ़ी सिचुएशंस में बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ. हम लोग अपनी मतलब मैंने जहाँ तक अभी तक नोटिस की है, मेरे को 21 ईयर्स हो चुके हैं, और मैंने जहाँ तक नोटिस किया है, हम लोग इस चीज़ में ज़्यादा मर जाते हैं हेट्रेड में. इसने ये नहीं किया, ये ऐसा है, ये वैसा है, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ. इवन विद मी एज वेल, मेरे को खुद बहुत बुरा लगता है कि यार, इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे साथ ये नहीं हो पाया, मेरे साथ वो नहीं हो पाया, मैं आज ये हूँ, मैं तो आज बहुत बीमार हूँ, ये है वो है. तो मुझे लगता है हम अपनी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी ना इसी चीज़ में बिता देते हैं. तो मैं अपना बताना चाहूँगी कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ ऐसे जीना चाहती हूँ कि मैं फुल ऑन घूमना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अंदर से पर्सनली ये चीज़ डीपली बिलीव करती हूँ कि लाइफ एक ही मिली है. बट कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि लाइक, आप अभी जो मेरी एज है, तो मेरे को हर चीज़ अपने पेरेंट्स से परमिशन लेके करनी पड़ती है, या अपने फैमिली मेम्बर से परमिट लेना पड़ता है, और मेरे को वो चीज़ें तब करनी पड़ती हैं. बट मैं उनको भी ये चीज़ें समझाती हूँ कि यार, अगर मेरे को बाहर घूमने जाना है, अगर मुझे फ्रेंड्स के साथ जाना है, अगर मैं फ्रेंड्स के साथ घूमना चाहती हूँ, या मैं फैमिली के साथ जाना चाहती हूँ, या मैं कोई चीज़ है जो करना चाहती हूँ, तो मैं ये चाहती हूँ कि वो मुझे मतलब मैं करूँ, मैं एक्चुअल में करूँ. आई नो अभी मैं इतनी वेल सेटल्ड नहीं हूँ, तो परमिशन ऑब्वियसली लेनी बनती भी है. बट मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे पेरेंट्स हैं, उनकी भी ये थिंकिंग हो कि ठीक है दीक्षा, यू गॉट अ सिंगल लाइफ, सो यू शुड इन्जॉय एंड गो एंड इन्जॉय योर लाइफ. आपको एक ही लाइफ मिली है, आप जियो. क्या होगा ज़्यादा, ठीक है, बहुत बुरी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है, डेफिनेटली रखना पड़ता है. बट मैं ये चीज़ कहती हूँ कि जब तक आपको ठोकर नहीं मिलेगी, जब तक आपको ठोकर नहीं पड़ेगी ना, तब तक आप नहीं सीख सकते. मतलब ये चीज़ मेरे को भी बहुत लोगों ने कही है कि दीक्षा, जब तक तेरे को ठोकर नहीं पड़ेगी तब तक तू सीखेगी नहीं. और ये चीज़ मैंने पर्सनली फील करी है, इसलिए मेरे वर्ड्स में ये चीज़ की एक्चुअल बात है कि जब तक ठोकर नहीं पड़ेगी ना, तब तक आप सीख नहीं सकते. तो मैं एक्चुअल में वो ठोकर खाना चाहती हूँ, मैं सच में खाना चाहती हूँ. और अभी तक मैंने बहुत ठोकर तो नहीं, बट हाँ, बहुत एक्सपीरियंसेस लिए हैं. तो मेरे को एक्सपीरियंस मतलब कुछ बुरा होता है ना, तो मुझे एक्चुअल में थोड़ा बहुत अच्छा लगता है कि यार, अच्छी बात है, ये मेरे साथ हुआ और मुझे इससे ये सीख मिली.
मतलब मैं बोल रही हूँ ये सारी चीज़ें, ठीक है, बट मैं इस चीज़ को डीपली फील कर रही हूँ, इसलिए मेरे वर्ड्स में निकल रहा है. बहुत लोग यही चीज़ें बोलते हैं अभी, बहुत लोग मुझे कमेंट भी करेंगे कि क्या दीक्षा ने क्या बोला, ये तो भाई हमें भी पता है, बट ये मैं वो चीज़ें बोल रही हूँ जो मेरे दिल से निकल रही हैं. अब क्या होता है कि लाइक जैसे अब मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, मतलब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती. मैं अभी फ़िलहाल, मतलब मैं अपना बताऊंगी, मैंने बहुत लोगों को बताया अभी है, मैं फिर से बताती हूँ कि मैं करंटली क्या कर रही हूँ. मैंने करंटली अपनी एक कंपनी स्टार्ट करी है. मैंने बेसिकली फोटोग्राफी का कोर्स किया था 3 साल का, बट मुझे इतना प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी, तो मुझे फील्ड की नॉलेज लेनी थी, क्योंकि मेरे पापा थोड़े से स्ट्रिक्ट थे, तो मैं बाहर नहीं जा पाती थी. बट अब मैं जाने लगी हूँ, अब वो मुझे कुछ नहीं कहते. तो मैं अब बेसिकली मुझे ये था कि मुझे फील्ड की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना है, तो मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी 3-4 लोगों के साथ मिलके, और ऑब्वियसली वो मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं. और मैंने ये कंपनी ज्वाइन इसलिए करी, स्टार्ट इसलिए करी क्योंकि मुझे सीखना था. तो मैंने जैसे ये सीखा है, तो अभी फ़िलहाल मैं इससे कुछ अर्न नहीं कर रही. मैं अपना जो भी पर्सनली अर्न कर रही हूँ, मैं वो वीडियोस से अर्न कर रही हूँ. मैं वीडियोस बनाती हूँ और मुझे उससे पैसा मिलता है, तो मैं इससे पर्सनली बहुत सेटिस्फाइड हूँ. बट मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती, लाइक मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को ले लूँ, मतलब रिलेटिव्स को ले लूँ, या मैं अपने फ्रेंड्स को ले लूँ, या मैं आसपास की अननोन्स की सराउंडिंग्स ले लूँ. वो लोग मतलब ये चीज़ समझते हैं कि आप वीडियोज़ बना के पैसा कमाते हो, ये चीज़ गलत है. तो मैं ये चीज़ कहूँगी कि अगर ट्यूशन्स पढ़ा के पैसा कमाया जाए, जॉब करके पैसा कमाया जाए, वो चीज़ें सही हैं. बट अगर वीडियोज़ बनाकर आप पैसा कमा रहे हो, तो वो चीज़ गलत है. मैं ये चीज़ मतलब बोलना चाहूँगी कि सही और गलत किसने बनाया है, ये सब हमने ही बनाया है. भगवान ने तो बनाया नहीं कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है, भगवान ने तो बस भेज दिया हमें. तो वीडियोस बना के पैसे कमाना गलत है, बट कहीं जॉब करके या ट्यूशन्स वगैरह पढ़ा के पैसे कमाना एक सही चीज़ है, ये किसने कहा है. मैं आप सभी से ये चीज़ कहूँगी कि जो भी लोग मेरे को बोलते हैं कि वीडियोज़ बना के पैसे कमाती है, जो भी एवरीथिंग एनीथिंग, तो मैं पहली बात तो हाँ, मेरे को एट टाइम्स बहुत बुरा लगता है, बहुत फ़र्क पड़ता है. मुझे बाहर के लोगों का इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना मुझे अपने खुद के घर के लोगों का फ़र्क पड़ता है. जब कोई अपना ये चीज़ बोलता है ना कि क्या सारा टाइम वीडियोस बनाते रहते हो और ये वो, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है. बट मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि आप वो काम करो जो आपको अच्छा लगे, और मैं एक्चुअल में वही काम करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है. क्या है मतलब, घर वाले कहते हैं कि शादी करेंगे तो क्या बताएंगे कि हमारी बेटी क्या करती है. भाई प्राउडली बताओ ना यार, वीडियोस बनाती है, क्या हो गया, वीडियोस बनाती है, इतने सारे लोग जानते हैं और जाने हैं, और इतना प्यार मिलता है कि मैं आपको क्या बताऊं. तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है. तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि जो चीज़ मतलब आप लोग करना चाहते हो, वो चीज़ करो. लोगों की मत सुनो कि ये चीज़ गलत है या ये चीज़ सही है. ये कुछ गलत और सही नहीं होता, ये सब हमने ही बनाया होता है कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है. तो मैं खुद इस चीज़ पे मतलब कई बार मैं खुद अपसेट हो जाती हूँ, बट आई गेस मुझे अपसेट नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बहुत प्यार देते हैं. थर्डली मैं एक टॉपिक स्टार्ट करना चाहूँगी, रिलेशनशिप किसी भी टाइप की हो सकती है. रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं होता बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, फ्रेंड्स फैमिली ये सब भी रिलेशनशिप का एक पार्ट होते हैं. मतलब मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं, मेरे को भी मैसेज करते हैं इवन, और बहुत लोगों के पास आते भी होंगे कि आई वॉन्ट टू मैरी यू, और कैन यू बी माई फ्रेंड, और कैन यू बी माई गर्लफ्रेंड. सो मैं इन चीज़ों के लिए बोलना चाहूँगी कि गाइज, मेरे लिए रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप और शादी, ये तीनों सिर्फ अल्फाबेटिकली छोटे हैं, बट अगर इनको डीपली समझा जाए तो ये छोटे नहीं हैं. लोग दोस्ती करना बहुत आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है. रिलेशनशिप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली, उसमें आना बहुत आसान है बट उसको निभाना बहुत मुश्किल है. और शादी तो खैर करना ही मुश्किल है यार, तो उसको निभाना तो और भी मुश्किल है. तो काफ़ी लोग पिक्चर्स देख के, या मतलब मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि पिक्चर्स देख के, या मतलब पिक्चर्स भी नहीं देखते, बस ऐसे ही मतलब बोल देते हैं कि भाई दोस्ती करनी है या रिलेशनशिप में आना है या शादी करनी है. तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करती है कि यार मतलब ये तीन वर्ड्स आप लोगों के लिए छोटे होंगे, बट ये तीन वर्ड्स मेरे लिए छोटे नहीं हैं. ये अल्फाबेटिकली डेफिनेटली छोटे हैं, बट इनका अगर मीनिंग देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा डीप है. मेरे लिए तो श्योरली वो बहुत ज़्यादा डीप है. तो मैं आप सभी से ये चीज़ भी रिक्वेस्ट करूँगी कि यार प्लीज़ इन इन रिश्तों की भी कदर की जाए,
और ऐसे इतनी आसानी से ना बोली जाएं ये चीज़ें. और लास्ट बात मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी हेट्रेड में बिता देते हैं कि इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, इसकी दोस्त ऐसी है, इसकी दोस्त वैसी है, ये है वो है. तो ऐसा ना करें. मैं भी ऐसा करती हूँ, मैं श्योरली ऐसा करती हूँ, और मैं ऐसा ना करने के लिए अपनी ही ये वीडियो वॉच करूँगी. और फिलहाल अभी तो बस इतना ही. आई डोंट नो आपको मेरी ये बातें पसंद आई होंगी या नहीं आई होंगी. मुझे कुछ ऐसा नहीं था कि मैं चाहती थी कि आप पसंद करो, बट मेरा एक अंदर का एक डीपली थॉट था जो कि मैं चाहती थी कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूं. मैंने काफ़ी लोगों के साथ शेयर भी किया, बट एक होता है ना एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, तो वो सेटिस्फैक्शन मुझे नहीं मिली थी और शायद अब मिलेगी. तो मैं बेसिकली लाइफ को बहुत अलग वे से देखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी देखो. और एक और चीज़, हाँ मैं भूल गई, खाना बनाना. मतलब लोग कहते हैं कि मतलब लड़के किचन में अच्छे नहीं लगते, तो ये चीज़ मेरे को थोड़ी हजम नहीं होती, क्योंकि खाना बनाना एक सबकी एक सर्वाइवल नीड है. ठीक है, तो ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं है कि यार लड़कियां ही खाना बनाएंगी या लड़के नहीं बनाएंगे. तो इस चीज़ के लिए भी मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोगों की ऐसी थिंकिंग है तो प्लीज़ इस थिंकिंग को भी चेंज करें. क्योंकि लड़कियां ऐसा कुछ नहीं है कि कंपलसरी नहीं है कि लड़कियां ही खाना बनाएंगी या लड़कियां ही किचन में अच्छी लगती हैं. तो ये एक सर्वाइवल नीड सबकी है, लड़कों की भी है और लड़कियों की भी है. तो इस पे दोनों ही काम करें तो ज़्यादा बेटर है. और एज सच इतना ही था मेरे माइंड में, और कुछ नहीं है. बट आप लोग भी अपने थॉट्स मेरे को शेयर करना, डेफिनेटली शेयर करना. मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूँगी. आई डोंट नो कितने लोग मेरी ये वीडियो देखने वाले हैं, बट मेरे माइंड में ये थॉट्स थे जो कि मुझे बोलने थे. मेन चीज़ यही कि अगर हम ये काम करके पैसा कमाते हैं तो ये चीज़ बुरी है, और अगर हम ये काम करके कमाते हैं तो ये चीज़ अच्छी है. ऐसा सिर्फ सोच है लोगों की, ऐसा कोई काम गलत या अच्छा नहीं होता. तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी आप सभी से कि अगर आप लोगों की थॉट मतलब ऐसी है तो आप उस चीज़ को चेंज करें, अगर आप इस डायरेक्शन में सोचते हैं तो. बाकी आपके ऊपर है, आपकी लाइफ है, आपकी थिंकिंग है, आपको जैसे सोचना है. बट एक बात, ये बात ज़रूर, इस चीज़ को दो मिनट दे के डीपली सोचना कि लाइफ एक ही है, एक ही लाइफ है. या तो उसको हेट्रेट में बिता दिया जाए, या खुशी खुशी मज़े करके सबके साथ घूम फिर के बातें करके मज़े करके इंजॉय करके बिताया जाए. थैंक यू सो मच गाइज, आपने इतना सुना, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल. आज के सेशन में यही था मेरी तरफ से. थैंक यू, लव यू ऑल. मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर वेट करूँगी. थैंक यू, बाय बाय. सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? खुशी. और हम वही खुशी खो देते हैं लोगों के आगे पीछे घूम के, या फालतू की बेफालतू की टेंशन्स लेके, जो कि पर्सनली मैं भी लेती हूँ. लोग अभी कमेंट करके बोलने भी वाले हैं कि भाई आप खुद इतना टेंशन्स वगैरह लेते हो या जो भी है, और आप ही बातें बोल रहे हो. तो मैं खुद टेंशन्स लेती हूँ, बट सीरियसली मतलब अगर डीपली इस चीज़ को सोचा जाए ना, तो हम लोगों को सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, खुशी. खुशी, हमें सिर्फ खुशी खुशी ढूंढनी है बस. सीरियसली ऊपर पहुँच जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा यार, नहीं पता चलेगा.